आपकी एनसीईआरटी में बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअन, निमेटोड और फंगल पांच छह तरह के डिजीज के टाइप दिए गए हैं। जिसे बैक्टीरियल में आपकी एनसीईआरटी में केवल दो तरह की डिजीज दी गई हैं। पहली डिजीज तो दी गई है टाइफाइड दी गई है और दूसरी जो दी गई है वो निमोनिया दी गई है। हम आपको दोनों पढ़ाने के बाद जो बची हुई बैक्टीरियल डिजीज है वो भी पढ़ाते हैं। आइए देखा जाए, डिजीज को देखा जाए तो टाइफाइड ये डिजीज का नाम है। अगर आप इसके पैथोजन को देखें किससे ये होती है, पैथोजन मतलब जिससे डिजीज होती है, उस पैथोजन का नाम है सेल्मोनेला टाइफी। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये सेल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जिससे ये डिजीज किसी एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से एक नॉर्मल व्यक्ति को होती है। ये है आपकी जानकारी। डिजीज का नाम टाइफाइड है और पैथोजन है जिसका नाम सेल्मोनेला टाइफी है, ये एक तरह का बैक्टीरिया है। अगर हम आपसे इन्फेक्शन के बारे में बात करें कि किसी व्यक्ति से इसको इन्फेक्शन कैसे होता है, ये देखिए इन्फेक्शन अगर आप देखें तो इन्फेक्शन में अगर आप देखें तो ये देखिए इन्फेक्शन का तरीका ये है कि ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब अगर किसी व्यक्ति को ऑलरेडी फूड एंड वाटर, अगर किसी व्यक्ति को ऑलरेडी टाइफाइड है और वो आपके साथ खाना शेयर कर रहा है, जैसे नॉर्मली कंटामिनेटेड माने आप समझें कि जैसे नॉर्मली खाना और पानी मतलब फूड और वाटर हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन जब ये किसी भी ऐसी चीज से इसमें मिक्सअप हो जाए जिससे हमारे लिए नुकसानदायक हो जाए तब इसे हम कंटामिनेटेड कहते हैं। तो अगर आप देखिए तो इसके लिए लिखा गया है थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर किसी व्यक्ति को इसका इन्फेक्शन है और उस व्यक्ति ने वो पानी पिया और फिर आपने दोबारा पानी पी लिया तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर उसने खाना खाया और उसको छींक आई और ये किसी तरह से पूरे एरिया में फैल गया तो फिर आपको टाइफाइड हो जाएगा। मतलब गंदा खाना खाने, गंदा पानी से, गंदा पानी मतलब वो पानी नहीं जिसमें पॉल्यूशन है, वो पानी जिसमें ये आया हुआ है जो कंटामिनेटेड है। किसी व्यक्ति को टाइफाइड है घर में, उसने छींक दिया या उसने खाना खाया और खांसी आ गई उसको, उस केस में ही पूरे खाने फैल जाता है आसपास और ऐसे बच्चों और सारे लोगों को टाइफाइड हो जाता है। इसको अगर आपको किसी को टाइफाइड हुआ हो तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वो किसी के साथ खाना या पानी शेयर ना करे। ये तरीका यही होता है इसका। अगर आप इसको देखें तो इट इंटर्स, एनसीईआरटी क्या क्या कहती है ये देखिए, इट इंटर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, इट इंटर्स थ्रू इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। अब आपका ध्यान रखना है कि इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, अगर किसी व्यक्ति को इसका इन्फेक्शन है और उसके साथ आप खाना शेयर कर रहे हैं, उसके उसने वही पानी पिया है और आपने भी पी लिया तो आपको टाइफाइड होने का चांस ज्यादा है। मतलब आपको होशियार रहना चाहिए, टाइफाइड हो जाएगा तो ढेर सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए क्या क्या प्रॉब्लम होगी। तो जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा खाने के द्वारा या पानी के द्वारा तब क्या करेगा, एनसीईआरटी कहती है इट सर्कुलेट्स इन बॉडी थ्रू ब्लड। ये बॉडी में जो है ब्लड के द्वारा सर्कुलेट किया जाएगा, मतलब ब्लड में चला जाएगा और ब्लडी इसे जगह जगह पर सर्कुलेट करना शुरू कर देगी। ये भी एनसीईआरटी की कमेंट है। अगर एनसीईआरटी आपको आ रही तो बहुत अच्छी बात है। इफेक्ट क्या होगा, अगर आप इसके सिम्टम्स देखें तो इसका सबसे तगड़ा है कि इसमें आपको हाई फीवर आएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इसमें हाई फीवर आएगा। एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास का फीवर होता है, हाई फीवर। हाई फीवर होने के साथ साथ व्यक्ति को हेडेक शुरू होगा, मतलब सिर दर्द होगा। फिर देखिए उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, मतलब उसके जो फीसेस है वो बॉडी से पास नहीं करेंगे, उसमें दिक्कत होगी। तो एक तो उसको हाई फीवर होगा, एक उसको हेडेक होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। इसके सिवा उस व्यक्ति को स्टमक पेन होगा, मतलब पेट में दर्द होगा, स्टमक पेन होगा। अब देखिए लगातार इसको प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है।
हाई फीवर होगा, हेडेक होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, स्ट्रोक पेन होगा, ये सारी चीजें लगातार होंगी। और जब सीवियर कंडीशन हो जाएगी, देखिए इस सीवियर कंडीशन, इन सीवियर कंडीशन, देखिए इन सीवियर कंडीशन, अगर मतलब ये केस बढ़ता है सीवियर कंडीशन, देखिए परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन, परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन मतलब उसके इंटेस्टाइन में पोर्स कफ हो जाएंगे, परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन, परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन एंड डेथ पे अकर, और व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है एंड डेथ में अकर। इन्होंने लिखा कि अगर देर तक ऐसा रहा तो इंटेस्टाइन का परफोरेशन हो जाएगा, उसमें पोर्स बन जाएंगे और उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। देखिए टाइफाइड में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हो रहा है, बॉडी के द्वारा ये पूरे ब्लड में ट्रांसफर हो रहा है, हाई फीवर, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, ये सारी चीजें हो रही हैं। और उसके बाद देखिए सिवियर कंडीशन में इंटेस्टाइन में पोर्स बन जा रहे हैं और उस व्यक्ति की डेथ भी हो जा रही है। अब इसके लिए इन्होंने कहा कि डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस में इसके टेस्ट कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे, तो आप एनसीईआरटी में ला लेंगे। इसके डायग्नोसिस में सबसे आसान तरीका है, एक टेस्ट होता है जिसे हम लोग विडाल टेस्ट कहते हैं, ये देखिए विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, और इस टेस्ट से पता चल जाता है कि जो है मतलब इन्फेक्शन है या नहीं है। जब आप पता कर लेते हैं तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ये है यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ट्रीटमेंट अगर आप देखें, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसका ट्रीटमेंट का तरीका है यूज ऑफ मेडिसिन, यूज ऑफ मेडिसिन, आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें, मेडिसिन का इस्तेमाल करें लगातार, और जब लगातार आप लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। मेडिसिन में लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कराते हैं, और एंटीबायोटिक्स जो है इसमें जो सबसे तगड़ी एंटीबायोटिक्स होती है वो एजिथ्रोमाइसिन होती है, ये एंटीबायोटिक्स है एजिथ्रोमाइसिन, जिसका इस्तेमाल करते हैं तो व्यक्ति को टाइफाइड हो खत्म हो जाता है। मुझे 2-3 बार हो चुका है, इसका मुझे अच्छा सा एक्सपीरियंस है। अगर आपको मुझे आप मेरे एक्सपीरियंस बारे में जानकारी करनी हो कि मुझे फोन करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो अब आप समझिए कि ये सीवियर, ये सारे इसके सिम्टम्स है, ये पैथोजेनेसिस है, डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है। दूसरा देखिए, इसकी एक क्लासिकल स्टोरी है, एक क्लासिकल स्टोरी है इस टाइफाइड की, क्लासिकल स्टोरी। क्लासिकल स्टोरी मतलब आपको याद करना है, क्योंकि ये स्टोरी पहले भी आ चुकी है। क्लासिकल स्टोरी माने एक कहानी है जो काफी पहले मतलब साइंटिस्ट पढ़ते थे, और अभी भी जिक्र है इसका। एक लेडी है, इनका नाम है मैरी मेलन, मैरी मेलन है इनका, ये जो है ये मैरी मेलन है, एक लेडी है मतलब फीमेल है ये। बाय प्रोफेशन अगर आप देखें तो ये कुक थी, बाय प्रोफेशन देखें तो ये कुक है मतलब खाना बनाती थी, कुक थी, शेफ थी, खाना बनाती थी व्यवसाय में अगर आप देखें। और सफरिंग आप देखें, इनको प्रॉब्लम क्या थी कि उनको यहां पढ़ा जा रहा है, सफरिंग विद टाइफाइड, इनको टाइफाइड थी, सफरिंग विद टाइफाइड फ्रॉम सेवरल ईयर्स, कई सालों से इनको जो है फ्रॉम सेवरल ईयर्स, कई सालों से इनको जो है टाइफाइड था, इसलिए साइंटिस्टों ने इनका नाम टाइफाइड मैरी रख दिया। पूछा क्या जाएगा, इनका सही नाम क्या है, टाइफाइड मैरी मेलन है, क्या काम करती थी, खाना बनाती थी, कई साल से इनको टाइफाइड था, इसलिए जब इनकी केस, एक तरह की ये केस स्टडी है आप कह सकते हैं कि सर ये तो एक तरह की केस स्टडी है, इस केस स्टडी में हम लोग टाइफाइड मैरी के बारे में पढ़ते हैं। एक कहानी है, अगर घरों में किसी को टाइफाइड हो, किसी फीमेल को जो खाना बनाती है, तो उसको खाना बनाने के लिए मना कर देना चाहिए जब तक कि पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, क्योंकि अगर उसको टाइफाइड है और वो लगातार खाना बना रही है, और उसके पानी पीने से या उसे जो है खाना बनाने से अगर कहीं पर भी बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, फूड और वाटर कंटामिनेटेड हो रहा है, तो पूरा का पूरा घर जो है वो टाइफाइड से सफर करेगा, इसका पूरा ख्याल रखें। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, पैथोजन, इन्फेक्शन, सिम्टम, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और एक क्लासिकल स्टोरी टाइफाइड के बारे में। आइए दूसरी डिजीज देखते हैं, बैक्टीरियल जो है उसका नाम निमोनिया है, ये देखिए डिजीज है, इस डिजीज का नाम बेटा निमोनिया है, ये देखिए
ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप इसका पैथोजन देखें, पैथोजन कैसे इन्फेक्शन होता है, तो ये देखिए पैथोजन जो है इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये देखिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, या इसी का दूसरा नाम है ये देखिए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। एनसीईआरटी ने दोनों नाम लिखे हुए हैं, मतलब ये दूसरी डिजीज है जिसका नाम निमोनिया है। आप लोग इसको अच्छे से जानते भी हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी इसका नाम है। अगर आप इसका इन्फेक्शन देखिए कैसे होता है, इन्फेक्शन अगर आप देखें तो इसका इन्फेक्शन का जो मोड है ये देखिए ट्रांसमिटेड फ्रॉम एयरोसॉल्स। मतलब अगर किसी को इन्फेक्शन है या एयर ड्रॉपलेट्स कह सकते हैं, पहला तरीका ये है कि एयर ड्रॉपलेट्स हो सकती है। किसी व्यक्ति को निमोनिया है और उसने एयर में पास किया, अपनी एयर पास की मतलब सांस निकाली, तो उस केस में जो है आपको इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा फ्रॉम बाय अटेंसिल्स, अटेंसिल्स मतलब बर्तन हो गए, अटेंसिल्स हो गया या पेन हो गई और कोई चीज हो गई, इसमें ये एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकती है। इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इसका इन्फेक्शन हो सकता है निमोनिया का। इन्फेक्शन के बाद मोड ऑफ इन्फेक्शन अगर आप देखें तो अब इसका पैथोजेनेसिस क्या है, कैसे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंच रहा है, ये देखिए इट अफेक्ट एल्विओलाई ऑफ लंग्स। ये देखिए ये एल्विओलाई ऑफ लंग्स को अफेक्ट करता है, मतलब जो हमारे एल्विओलाई हैं फेफड़े में जो एल्विओलाई की यूनिट है उनको ये नुकसान पहुंचाता है। इट अफेक्ट एल्विओलाई ऑफ लंग्स, मतलब आप इसे समझें ये एल्विओलाई है लंग्स की, इनमें ये इसका जब इन्फेक्शन हो जाता है, ये यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें फ्लूइड भर जाता है। ये देखिए आप ऐसे लिख लें, एनसीईआरटी लिखा हुआ है तो आपको लिखना पड़ेगा एल्विओलाई फिल्ड विथ फ्लूइड। एल्विओलाई जो होती है फ्लूइड्स के द्वारा, खास तरह का फ्लूइड इसमें भर जाता है इस एल्विओलाई में। आपको पता है कि जितने भी एल्विओलाई है उनमें एक बड़ा काम होता है, ये एल्विओलाई ये बगल से इसे ब्लड पास करता है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस की साइट है। जब इस एल्विओलाई में ब्लड भर जाएगा तो अब आप समझिए कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि एल्विओलाई अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। जब एल्विओलाई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी तो आप सिम्टम्स देखिए क्या क्या सिम्टम्स होंगे, इस व्यक्ति को क्या क्या सिम्टम्स होंगे। तो सिम्टम्स में एक तो बॉडी जो है, बॉडी को सबसे पहली बात तो हाई फीवर होगा। दूसरा देखिए इस व्यक्ति को कफ बनना शुरू हो जाएगी, इस व्यक्ति को हेडेक होगा, ये देखिए हेडेक होना हो जाएगा, सिर दर्द होगा, हेडेक होगा, ये देखिए हाई फीवर कफ हेडेक ये सारी प्रॉब्लम होंगी इस एल्विओलाई में इन्फेक्शन के बाद। और इस तरह से आप देखिए डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तमाम तरह की इसको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ये देखिए हाई फीवर होगा, कफ होगा, हेडेक होगा, ये सारी चीजें इस व्यक्ति को सिम्टम के तौर पर शुरू हो जाएगी। और ये देखिए नेल एंड लिप्स, नेल ये मेन इसका सिम्टम है, नेल और लिप्स मतलब नाखून और जो होंठ है टर्न मतलब कलर चेंज कर देंगे, टर्न फ्रॉम ग्रेस टू ब्लू, वो जो ग्रेस कलर के दिखते हैं अब वो ब्लू कलर के दिखना शुरू करेंगे, फ्रॉम ग्रेस टू ब्लू कलर। ये देखिए तो मैं अगर आपसे पूछूं ब्लू कलर क्यों हो गए तो आप फट से जवाब देंगे सर ये ब्लू कलर के नाखून या लिप्स इसलिए हो गए, नाखून और लिप्स इसलिए हो गए ड्यू टू इनसफिशियंट ऑक्सीजन इन ब्लड, जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा ब्लड में, ऑक्सीजन एल्विओलाई से ब्लड में नहीं जाएगी तो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, और ब्लड में जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो ये देखिए नेल्स और लिप्स जो हैं ये ब्लू कलर के हो जाएंगे ग्रे कलर से। ये मेन सिम्टम है इसका आपको ध्यान रखना है।
ये वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट अगर आप देखें तो इसका ट्रीटमेंट सिंपल सा है, आपको ज्यादा नहीं सोचना है। आप लिखना है सर इसका ट्रीटमेंट है यूज ऑफ मेडिसिन, बिना मेडिसिन लिए ये डिजीज ठीक होने वाली नहीं है। प्रॉपर आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी तब ये डिजीज ठीक हो जाएगी। ये एनसीईआरटी ने दूसरी डिजीज आपके यहाँ एक्सप्लेन की है। इसके सिवा एनसीईआरटी ने और भी डिजीज थोड़ी थोड़ी लिखी है, आपको थोड़ा सा डिटेल पढ़ाते हैं। जैसे अगर आप देखें तो सबसे पहली डिजीज है जिसे हम लोग कॉलेरा कहते हैं, आपने सुना भी होगा कॉलेरा। ये देखिए ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, इसके पैथोजन का नाम विब्रियो कॉलेरी है। ये देखिए इसके पैथोजन का नाम विब्रियो कॉलेरी है। ये खास करके गर्मियों के महीने में प्रॉब्लम होती है, विब्रियो कॉलेरी है इसके पैथोजन का नाम। तो जब इसका इन्फेक्शन हो जाता है इस कॉलेरा का तो सिम्टम्स आप देखें, मेनली सिम्टम होता है, सिम्टम ही आप देखें इसका सिम्टम होता है कि एक तो व्यक्ति को डायरिया हो जाता है, ये देखिए डायरिया हो जाता है। दूसरा देखिए डायरिया होने के साथ साथ उसको वोमिटिंग शुरू हो जाती है, तो मतलब अगर किसी व्यक्ति को इसका इन्फेक्शन है तो उसे डायरिया और वॉमिटिंग मेनली होगी, डायरिया और वॉमिटिंग होगी। इस तरह से उसका जो बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। ऐसे लोगों को सबसे पहले ग्लूकोज चढ़ाई जाती है और उनके बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, और इस तरह से आप अगर आप देखें तो ऐसे लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाता है, खतरनाक डिहाइड्रेशन होता है, और अगर ये लगातार चलता रहा तो सकता है उनकी डेथ भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और देखिए एक डिजीज है जिसे आप लोग कहते हैं हैंसन डिजीज। ये देखिए एक डिजीज है जिसे आप लोग कहते हैं हैंसन डिजीज, चाहे आप इसे हैंसन डिजीज कहते हैं, हैंसन डिजीज कहते हैं, या इसे आप लेप्रोसी कहते हैं। ये एक खास तरह की बैक्टीरियल डिजीज है लेप्रोसी। ये देखिए गांव में इसे लोग कुष्ठ रोग कहते हैं, ये देखिए कुष्ठ रोग कहते हैं लेप्रोसी को। अगर आप इसके उसको देखें इसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री ये एक बैक्टीरिया है। ये देखिए माइकोबैक्टीरियम लेप्री ये एक बैक्टीरिया है जिससे ये इन्फेक्शन होता है, कुष्ठ रोग होता है। सिम्टम्स अगर आप इस डिजीज के देखें, अगर आप इसके सिम्टम्स देखें तो स्किन बिकम्स व्हाइट इन कलर, स्किन बिकम्स व्हाइट इन कलर, ऐसे लोगों की जो स्किन है वो सफेद कलर की हो जाती है, ये मेन सिम्टम होता है। स्किन बिकम्स व्हाइट इन कलर, ऐसा क्या होता है कि मेलानिन जो है, मेलानोसाइट जो सेल्स हैं, मेलानोसाइट जो सेल्स हैं आइए देखा जाए। और जो अदर बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, एक नाम है डिप्थीरिया। देखिए अगर आप इसके पैथोजन का नाम देखें, तो ये जो डिजीज है ये जिस पैथोजन से होती है उसका नाम है कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी। ये देखिए कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी इसका नाम है, ये देखिए कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी नाम है, ये पैथोजन का नाम हो गया। अगर आप इसमें सिम्टम देखें तो इसका मेन सिम्टम होता है जो कोरोना का सिम्टम है, मतलब मेन सिम्टम ये है कि अगर आप समझें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रही है लेकिन बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है,
आप मान के चलिए कि उस व्यक्ति को डिप्थीरिया हो गई है। इसका जो टेस्ट होता है, जो डायग्नोसिस होती है, इसके डायग्नोसिस के लिए जो जिम्मेदार है, मतलब जो डायग्नोसिस है, उसे हम लोग सिक टेस्ट कहते हैं। ये देखिए, ये खास तरह का टेस्ट है जिससे ये पता किया जाता है डायग्नोसिस डिप्थीरिया डिजीज के बारे में। इसके सिवा और भी डिजीजेज है, अगर आप और देखें तो ये देखिए, ये डिजीज है जिसे हूपिंग कफ कहा जाता है। हूपिंग कफ, ये देखिए, हूपिंग कफ कहा जाता है, हूपिंग कफ, या इसे लोग पर्ट्यूसिस कहते हैं। ये देखिए, पर्ट्यूसिस कहते हैं। अगर आप इसके पैथोजन का नाम देखें, पैथोजन का नाम देखें, तो इसके पैथोजन का नाम है बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस, बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस। ये देखिए, ये बैक्टीरिया है पर्ट्यूसिस, ये बैक्टीरिया जिससे इन्फेक्शन होता है हूपिंग कफ। इसे 100 डेज फीवर भी कहा जाता है, 100 डेज फीवर, मतलब 100 डेज फीवर इसमें होते हैं, इसलिए शायद इसको 100 डेज फीवर वाला फीवर ही कहा जाता है। इसमें हूपिंग कफ होती है, लगातार कफिंग होती रहती है, बार बार आदमी ऐसे खांसता रहता है, ये इसका मेन सिम्टम है हूपिंग कफ। इसमें भी फीवर आता है बेटा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेन इसका हूपिंग कफ है। इसे कभी कभी लोग हिंदी में काली खांसी भी कहते हैं। काली खांसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब आती है खांसी तो जाती नहीं है। अगर किसी को शुरू हो गया खांसी आना तो खांसता ही रहेगा, जाएगा नहीं। तो आपको ये बात भी सीखनी है कि खतरनाक खांसी है, होशियार रहना है आपको। देखिए, अगली जो डिजीज है बैक्टीरियल वो है टिटनस। ये देखिए, टिटनस, टिटनस का कॉमन नेम अगर आप देखें तो इसे लॉगजॉ डिजीज कहते हैं। लॉगजॉ डिजीज है ये, क्योंकि इसमें जबड़े जो है लॉक हो जाते हैं। लॉगजॉ डिजीज कहते हैं, इसमें जबड़े बंद हो जाते हैं, इसलिए इसको लॉगजॉ डिजीज कहते हैं। अगर आप इसके पैथोजन का नाम देखें तो इसका जो पैथोजन है, उस पैथोजन का नाम क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी है। ये देखिए, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी है इसके पैथोजन का नाम। ये देखिए, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी है। इन्फेक्शन की बात करें, इन्फेक्शन की बात करें, ये देखिए, इंटर इन बॉडी बाय ओल्ड रस्टेड आयरन। अगर कोई पुराना लोहा है तो वो लोहा आपकी बॉडी को अगर कहीं कट गया, छू गया, तो ये इन्फेक्शन होता है टिटनस का। इसके जो सिम्टम्स हैं, अगर आप सिम्टम्स देखें तो इसमें जो है व्यक्ति को मस्कुलर स्पायस्म हो जाता है। ये देखिए, मस्कुलर स्पैस्म हो जाता है, मतलब ये हुआ मसल्स कंट्रैक्ट हो जाती है और फिर रिलैक्स नहीं होती है। ये देखिए, स्पैस्मोडिक कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इसीलिए इसको लॉग डिजीज कहते हैं। इसके सिवा अगर आप देखें तो एक्स्ट्रा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक डिप्थीरिया है, दूसरा हूपिंग कफ है, ये तीसरा देखिए टिटनेस है, एक चौथा और देख लीजिए आपसे अच्छा कौन जानता होगा, प्लेग। दुनिया को कई बार इसने अच्छे से मात दी है, परेशान किया है, इसलिए आपको ये डिजीज भी जाननी चाहिए। प्लेग अगर आप देखते हैं तो प्लेग में जो है ये, इसके जो पैथोजन है, मतलब जिससे इन्फेक्शन होता है, अगर आप इसके पैथोजन का नाम देखें, पैथोजन का नाम, तो इसके पैथोजन का नाम अर्सिनिया पेस्टिस है, अर्सिनिया पेस्टिस है। ये देखिए, अर्सिनिया पेस्टिस है इसके पैथोजन का नाम। अगर आप इसके वेक्टर का नाम देखिए जिससे ये फैलता है, तो ये देखिए, इसे रेड फ्लिया कहा जाता है। इससे ये फैलता है, वेक्टर जिससे रोग फैलता है उसे वेक्टर कहा जाता है। सिम्टम्स देखें, अगर आप सिम्टम्स अगर देखें तो ये देखिए, इनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी नोड्स, और फिर व्यक्ति अनकॉन्सियस हो जाता है
और इस संसार से विदा हो जाता है। ये देखिए, तो ये सारी बैक्टीरियल डिजीजेस हैं जो आपको सीखनी है, समझनी है, किसी तरह से आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। ये अदर बैक्टीरियल डिजीजेस हैं जो आपके एनसीईआरटी में सिर्फ नाम लिखा गया है, प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, ऐसे कुछ नाम लिखे फिर वो धीरे से निकल गए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको ये सारे बैक्टीरियल डिजीजेस अच्छे से आए, किसी तरह से आप कोई यहाँ पर कोई गलती न करें, ज्यादा अच्छा होगा। आप एक बार इसको थोड़ा सा देख लेंगे तो मामला आपका फिट हो जाएगा।